पिछली वीडियो में 8.1 पूरा डिटेल से बता दिया था। 8.2 में मैंने चैप्टर को शुरू करने से पहले फार्मूला का लिस्ट जो दे दिया हुआ था, जो पूरे ट्रिक पर मैंने सिद्ध किया हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए 8.2 का यहाँ पे कुछ 8.2 का जो है कुछ फार्मूला है जो मैंने पिछले वीडियो में जो है इसका डिटेल बताया हुआ था। अगर आप लोग मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। चलिए अब फटाफट अब शुरू कर रहे हैं। आप लोग जल्दी कॉपी कलम लीजिए और लिखना शुरू कीजिए, ठीक। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू यहाँ से देखिए, अगर ये आपको याद होना ज़रूरी है, याद रहेगा तब ये सवाल बनेगा। तो साइन 60 का वैल्यू देखिए, साइन 60 कितना है, √3/2। तो यहाँ लिख दीजिए √3/2 गुना, यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई समझिए। इसके बाद देखिए कोस 30 का वैल्यू कितना है, कोस 30 का वैल्यू √3/2। तो √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू देखिए, साइन 30 यहाँ पर 30 है सामने में देखिए 1/2 है, गुने कोस 60 का वैल्यू देखिए √1/2 है। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। याद रखिए पिछली वीडियो में बताए थे किसी भी रूट को उसी रूट से गुना कीजिएगा तो सिर्फ 3, अगर √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2, किसी भी रूट को उसी रूट से गुना कीजिएगा तो सिर्फ इसका अंक होता है। चलिए बट्टा पर का जोर बच्चा में सीखे होइएगा, जब पहला दूसरा तीसरा में आप लोग होंगे तो सीख लीजिए, सीखे होंगे, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 1 को 1 से 1 गुना करेंगे तो 3, प्लस 4 × 4 1 × 1, इसका 3 × 1 4/4, इसको काटेंगे तो 1, यही आपका आंसर हो गया। आप लोग बुक में जाके मिला सकते हैं, उसका आंसर 1 ही होगा, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए फटाफट 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 फटाफट। कर लिए? यस सर कर लिए, कर लिए, हाँ सर ये कर लिए, ठीक है। अब मिटा दें, ठीक है मिटा देते हैं। चलिए इसके बाद जो है आपका नंबर 2 प्रश्न आ जाता है आपका। देखिए बुक से यहाँ बुक है, ये देखिए यही बुक है आपका। दूसरा प्रश्न जो है आपका, देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आपका दूसरा है 2 tan² + cos²30 − sin²60। आपको डिवाइड यदि आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डिवाइड नहीं आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे 10 45 का मान कितना होता है, तो पहले तो आप यहाँ पर 2 लिखिए दीजिए। 10 45 का मान देखिए कहाँ छे, 10 ही यहाँ छे, ठीक है। हाँ तो स्क्वायर छे तो स्क्वायर देवे। कोस 30 के वैल्यू कहाँ छे, कोस 30 यहाँ पे है, ये भग गए यहाँ के √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 के वैल्यू कहाँ पे है, देखिए वहाँ पे छे √3/2 स्क्वायर छे तो स्क्वायर दो दलिए, ठीक है। 2 × 1² = 1 प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो सिर्फ 3, बोले थे ना 2 × 2 = 4, ये 2 2 बार है, माइनस √3² 3/2 4, √3 को √3 से करेंगे तो 3, और 2 को 2 से करेंगे तो 4, ठीक है ना। अब इसको देखिए 2 × 2 + 3/4 − 3/4, देखिए ये इसका बट्टा में है, इसका बट्टा में है, इसका बट्टा में है, नहीं ना। तो जिसका सहारा कोई नहीं उसका सहारा कौन, 1, सबका मालिक 1 है, चलिए सबका मालिक 1 है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 1 4 4 का एलसीएम 4,
एक को फोर से करेंगे तो फोर, और फोर को टू से करेंगे तो चार दुनी आठ, प्लस चार एक चार तीन इकान तीन, चार एक चार तीन इकान तीन। तो पहले जोड़ते हैं कि पहले घटाते हैं? जी सर घटाते हैं, बिल्कुल सही, पहले घटाते हैं। तो आठ तीन ग्यारह माइनस थ्री बाय फोर, घट के कितना आएगा आठ, आठ बाय फोर काटेंगे चार दुनी आठ, कितना आएगा टू। यही आपका हो गया आंसर। पहले जोड़ते हैं तो आठ तीन ग्यारह माइनस थ्री, ग्यारह में से तीन गया तो आठ, बट्टा में है फोर, चार दुनी आठ, दो आंसर इसका हो गया। ठीक है, पहले जोड़ना तब घटाना, नोट कर लीजिए बबू। सुगा मैना तोता, इसको नोट करिए, कीजिए जल्दी। कर लिए? हाँ सर कर लिए। ठीक है, बड़ी तेज हो तुम लोग, क्या बात है। त्रिकोणमिति अध्याय 8.1 मिटा दें? मिटा दें ना? यस सर मिटा दीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम जो है इनको भी मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है भाई। चलिए क्लास रहने देते हैं टेंथ। चलिए अब तीसरा प्रश्न को देखिए, आपका तीसरा प्रश्न क्या कहता है। लिखा है कोस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है भाई, देखिए कोस 45 यहाँ पे है ना, यहाँ पे कोस 45। चलिए सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3, और कोसेक 30 का 2। हर का प्रमेयकरण सिखाए थे, याद कीजिए, 1/√2 का नाइन्थ में पढ़े होंगे, 1/√2 है तो ऊपरो √2 और नीचो √2 बट्टा, इसके बाद जिसका सहारा कोई ना उसका सहारा एक, सबका मालिक एक है। चलिए √3 एक का एलसीएम निकालेंगे तो √3, √3 एक का √3 तो दो एक का दो, एक को √3 से करेंगे √3, √3 को दो से करेंगे तो 2√3। अब चलिए इसको इससे करेंगे, √2 को 1 से करेंगे तो √2, और √2 को √2 से करेंगे तो 2। ठीक है, और इसके बाद हो गया 2+√3/√3। यहाँ पे बीच में दीजिए 1, 2, 3, 4 बीच में दीजिए। चलिए इसके बाद 2+√3/ इसके बाद इसको लिखे √2/2। इसको हर पर में करानी, 1, 2, 3, 4 रहेगा तो चौथा ऊपर चला जाता है, ये तो आपको आता है ना, √3 बाय 2+√3। ठीक है, यहाँ तो दिखा है ना, ये दिखा है। तो चलो √2 को √3 से करेंगे तो √6, और दुदनी 4, और प्लस दुदनी 4√3 गुना कर दिए, इसको दोनों से गुना के दुदनी 4, और दुदनी 4√3 यहाँ तक हो गया। चलिए इसके बाद यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसका हर परमेयकरण कर दीजिए। अब √6 है तो 4+4√3 हर परमेयकरण, प्लस है तो क्या होता है माइनस, 4√3 फिर 4 - 4√3। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4√6 माइनस और 4, अरे देखिए दोनों रूटे में है तो रूटे में गुना हो जाएगा, तो 6 * 18। आप लोग को सिखाए थे, क्या सिखाए थे याद कीजिए, a+b और a-b रहे तो a²-b² होता है। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे ना? हाँ सिखाए थे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए चार रूट छ माइनस चार, इसका गुणनखंड करेंगे तो तीन तिया नौ, नौ दुनी अट्ठारह, चार चौक, इसको देखो चार को चार से करेंगे तो चार चौका सोलह, माइनस चार को चार से करेंगे तो चार चौका सोलह, और रूट तीन का स्क्वायर तो बताइए वे किए हैं सिर्फ तीन बराबर। अब चार रूट छ अठवा में सीखे होंगे, दूर एगो पर एगो फ्री लिया जाता है, वर्गमूल निकालते हैं तो चार इसका निकल गया ना जोड़ा है, चलिए ब्लू स्केच मार देते हैं, यहाँ जोड़ा है तो ये तीन निकल गया, रूट टू बेचारा रह गया अंदर में, तो सोलह माइनस सोलह तिया अड़तालीस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, दिक्कत नहीं है। इन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में है, सर चार दोनों में है, तो चलिए चार ले लेते हैं कोमा में, तो चार ले लिए तो क्या बचेगा, सिर्फ रूट छः इसको बचेगा, माइनस तीन चार तो ले लिया ना, तो सिर्फ थ्री रूट टू बचा, अब बट्टा में सोलह में से अड़तालीस गया तो माइनस बत्तीस, देखिए चार अठे बत्तीस कट गया आठ से, आप बचा कितना रूट छ माइनस थ्री रूट टू और बट्टा में माइनस आठ। अभी माइनस को क्या करेंगे, हटाना है ना, चलिए हटा देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, पहले माइनस थ्री रूट टू और कटने ना और प्लस रूट छ बट्टा माइनस आठ। अब एक काम कीजिए माइनस कोमा में ले लीजिए, माइनस कोमा में ले, इसे बराबर दे दीजिए, बोले माइनस कोमा में ले लेंगे तो क्या बचेगा, पल माइनस ले लेंगे तो ये बचेगा थ्री रूट टू, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस रूट छ बट्टा में माइनस आठ, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया थ्री रूट टू माइनस छ बट्टा आठ, यही आंसर, ठीक है, जल्दी फटाफट नोट। चलो मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक, जल्दी जल्दी नोट। अब तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है ना, चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल है, चौथा दिया है कि साइन तीस प्लस टेन पैंतालीस माइनस कोसेक साठ बट्टा सेक तीस प्लस कोस साठ प्लस कोट पैंतालीस, सब में डिग्री लगा हुआ है। देखिए फिर फटाफट मान बैठाते हैं, साइन तीस का मान यहाँ से लीजिए वन बाई टू, टेन पैंतालीस का मान एक, कोस साठ का मान, कोसेक साठ का मान ध्यान दीजिए यहाँ पे, कोसेक साठ दो बट्टा रूट थ्री, दो बट्टा रूट थ्री, फिर सेक तीस का मान वन दो बट्टा रूट थ्री, दो बट्टा रूट थ्री प्लस कोस साठ का मान वन बाई टू प्लस कोट पैंतालीस का मान एक, इसका आप जो है बट्टा पर का जोर, इसका जिसका सहारा कोई नहीं उसका सहारा एक, सबका इसका सहारा है, इसका सहारा, इसका सहारा नहीं है एक, चलिए दो और रूट थ्री का एलसीएम दो रूट थ्री, दो दो कट गया क्या बचा रूट थ्री प्लस एक है ना, एक रहेगा तो सेम टू सेम उतार देते हैं, रूट तीन कट गया क्या बचा दो और दो, दो दुनी चार, ये भी इसका करेंगे दो रूट थ्री आ गया, तो रूट थ्री कट गया तो क्या बचा दो और दो, तो दो दो चार प्लस दो और दो कट गया क्या बचा रूट थ्री प्लस, अच्छा एक रहेगा तो सेम उतार देंगे दो रूट
थ्री, ठीक है। इसके बाद ये और ये हो गया कैंसिल, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। एगो रूट तीन और दू गो रूट तीन, क्या गो रूट तीन, एगो रूट तीन और दू गो रूट तीन, क्या गो रूट तीन, तो तीन गो रूट तीन और माइनस चार। फिर एगो रूट तीन और दू गो रूट तीन, क्या गो रूट तीन, तो तीन गो रूट तीन और प्लस चार, ठीक है। इतना नोट कीजिए पहले, इतना नोट हो गया जी सर, हो गया ना, एकदम हो गया। चलिए मिटा देते हैं, अब कितना 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 बचा, इतना आया ना, कितना आया थ्री प्लस रूट थ्री, सॉरी क्या बचा, थ्री रूट थ्री माइनस चार और थ्री रूट थ्री या प्लस चार, यही आया ना। अब इसको हर का परमाकरण कर देंगे, थ्री रूट थ्री माइनस चार और थ्री रूट थ्री माइनस चार, प्लस रहेगा तो माइनस माइनस, नाइन्थ में पढ़ाए थे। अभी देखिए ये दोनों सेम सेम है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब दोनों सेम सेम रहे तो सीधे सेम सेम का होल स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर बताए थे, अभी जस्ट बताए थे ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी रहेगा तो क्या सूत्र होता है, अभी जस्ट बताए थे ना, क्या बताए थे, नहीं बताए थे, नहीं बताए थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताए थे कि नहीं बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, ए कितना है थ्री रूट थ्री, बी कितना है चार, और ए प्लस ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तीन तिया नौ और रूट तीन का स्क्वायर तीन, चार चौका सोलह, तो इसका हो गया तीन तिया नौ आगुने तीन प्लस चार चौका सोलह माइनस द्वितिया छः चौक चौबीस रूट थ्री बट्टा में नौ तिया सत्ताईस माइनस सोलह, तो इधर भी देखिए गुना करते हैं तो नौ तिया सत्ताईस और प्लस सोलह माइनस चौबीस रूट थ्री बाई सत्ताईस में से सोलह गया तो ग्यारह, ठीक है। इसके बाद सत्ताईस और सोलह को जोड़ो, सत्ताईस और सोलह को जोड़िए कितना आता है देखते हैं जोड़ के, तो तैंतालीस आएगा चार तीन तैंतालीस माइनस चौबीस रूट थ्री बाई ग्यारह, यही आंसर हो गया, मिला लीजिए जल्दी बुक खोल के, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा अब है बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नोट नोट कर लीजिए, कर लिए जी सर, बड़ा तेज है बच्चा सर। चलिए इतना बताने के बावजूद यदि आपको नहीं समझ रहा है, नहीं समझ में आ रही है, खोपड़ी में नहीं जा रहा है, तो कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद फाइव कोस स्क्वायर साठ प्लस चार सेक स्क्वायर तीस माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस बाई कितना, ये साइन स्क्वायर तीस डिग्री प्लस कोस स्क्वायर तीस डिग्री, ठीक है तीस है। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है बढ़िए। अब ध्यान देना है फाइव कोस स्क्वायर साठ है तो पाँच रहेगा ही, कोस साठ का वैल्यू कितना है, कोस साठ का वैल्यू कितना है वन बाई टू, तो वन बाई टू दे दिए, लेकिन हमें तो स्क्वायर लगल है तो लगा दिए प्लस चार। सेक तीस का वैल्यू, सेक यहाँ है, तीस कहाँ है यहाँ है, दो बाई रूट थ्री, दो बाई रूट
थ्री स्क्वायर लगा है हम भी लगा दिए, माइनस टेन पैंतालीस का मान एक, एक है एक लगा दिए, एक स्क्वायर, स्क्वायर सब में है तो सब में लगा दिए। साइन स्क्वायर तीस और कोस स्क्वायर तीस, देखिए तीस अगर दोनों ओर सेम सेम थीटा रहे, थीटा का वैल्यू रहे, तो एक बात याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ऐसे सूत्र हम आप लोग को इसका अगला चैप्टर में लिखाएंगे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक, बोलिए एक, एक तो एक होता है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम बैठा दिए यहाँ पर एक, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो बैठा दिए। चलिए पाँच गुने एक एकन एक, दो दुनी चार प्लस चार एकन चार गुने दो दुनी चार वाई तीन माइनस एक। अब चलिए बट्टा में एक है तो एक का तो कुछ मतलब है नहीं, ख़त्म हो गया यहाँ पे एक बैठा दिए, तो पाँच को एक से करेंगे तो पाँच बाई फोर प्लस चार चौका सोलह बाई थ्री माइनस एक। हम बताएं थे ना इसका सहारा है, देखिए इसके पास टांग है, इसको भी टांग है, इसको टांग है नहीं ना है, तो जिसको टांग नहीं होता है, सहारा नहीं रहता है, तो उसका सहारा कौन होता है, खुदा अल्लाह, ठीक है, सबका मालिक एक है। बट्टा भर का जोर कर दीजिए, चार तीन एक का एल्शियम चार, चार एक चार पाँच एक, चार तीन एक एल्शियम बारह, चार कान कितना बेर पढ़े तो बारह अत, तीन बेर तो पाँच कान तीन बेर पढ़िए, पाँच कान पाँच पंद्रह दस पाँच दिया पंद्रह, ठीक है, प्लस तीन कान क्या बेर पढ़े तो बारह अत, तीन कान तीन तीन दून छः तीन तीन नौ तीन चौक बारह, चार बेर में, चार बेर में तो सोलह के चार बेर पढ़े, सोलह चौका चौंसठ माइनस एक को बारह से करेंगे तो बारह, तो बारह के बार है कान बारह, इसको जोड़िए पाँच चार नौ छः एक सात माइनस बारह बट्टा, बोले थे ना पहले जोड़ तब घटाओ, तो पहले जोड़ लिए फिर घटेब, उनासी में से बारह गए तो सड़सठ बट्टा बारह यहाँ के भ गए एंसर, ठीक है कौन। हाँ हाँ, इसके बाद देखिए ये आपका हो गया, इसके बाद दो नंबर में क्या है, ऑब्जेक्टिव है, क्या है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आप लोग बना के रखिएगा, जो नहीं बनेगा हम बताएंगे, ऑब्जेक्टिव पे खाली मान बैठाइए पुट कीजिए और बना दीजिए। जैसे एक ऑब्जेक्टिव हम बता देते हैं, एक ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, ठीक है, देखिए दो नंबर में लिखा हुआ है, दो का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, माने टू टेन तीस डिग्री बट्टा वन माई वन प्लस टेन स्क्वायर तीस डिग्री बराबर में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में है साइन सात डिग्री, बी में दिया हुआ है कोस साठ डिग्री, सी में दिया हुआ है टेन साठ डिग्री और डी में दिया हुआ है साइन तीस डिग्री, यही दिया हुआ है, कौन सही है इसको दिखाना है ना, ठीक है। देखिए ये अपने मन से ऐसे हम डायरेक्ट बना बताना चाहेंगे तो हमको लग रहा है ये होना चाहिए, ठीक, देख लेते हैं, टू टेन तीस बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर तीस, टू प्लस टेन तीस का मान टेन 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 तीस यहाँ है तो वन बाई रूट थ्री, एक प्लस टेन तीस का मान वन बाई रूट थ्री, यहाँ पर गुना है तो गुना दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है, तो दो को एक से करेंगे तो दो बट्टा रूट थ्री और एक प्लस एक बट्टा तीन, रूट तीन का स्क्वायर तीन, एक का स्क्वायर एक, चलिए दो बट्टा रूट थ्री इसको एलसीएम तीन, तीन एकान तीन प्लस एक, तो ये आ गया आपका दो बट्टा रूट थ्री बट्टा चार बट्टा तीन, हर का परमीकरण एक दो तीन चार रहे तो दो ठो रहेगा ही, लास्ट वाला ऊपर चला जाएगा, चार दो दुनी चार कितना आया तीन बट्टा रूट तीन, दो रूट तीन यही ना आया, ठीक है, एक काम कीजिए ये रूट तीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट तीन गुने रूट तीन, तो रूट तीन को रूट तीन से करेंगे तो तीन, आई है दो रूट तीन, एक और रूट तीन से कटेगा तो क्या बचा
रूट थ्री बटा दू। आप बताइए किसका मान रूट तीन बटा दू होता है, ध्यान दीजिए साइन साठ का मान देखिए है ना रूट तीन बटा दू, तो यानी यही आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से सब बना लीजिएगा। इसके बाद चलिए हम तीन का लास्ट सवाल बताते हैं, चैप्टर समाप्त। तीन का लास्ट सवाल है, तीन में दिया है चूंकि टेन ए, ध्यान दीजिए चूंकि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री कह दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो टेन ए प्लस बी बराबर, देखिए टेन रूट तीन का वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिए टेन रूट तीन, रूट तीन रूट तीन है या सामने में क्या है साठ, तो इसको लिखिए इसे टेन साठ, ये टेन टेन कट गए हैं तो क्या हुआ ए प्लस बी बराबर साठ डिग्री हो गया यहाँ के फर्स्ट समीकरण। दूसरा क्या दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ था, मिटा देते हैं, ये सवाल था ये पहला, ये तीसरा सवाल था ये, इसी में और लगा हुआ है और टेन ए माइनस बी, और टेन ए माइनस बी बराबर एक बट्टा रूट थ्री ये लिखा है ना, इसको तो बना लिए यहाँ पे, अब इसको लिखेंगे तथा टेन ए माइनस बी बराबर एक बट्टा रूट थ्री। अब इस सब का कोई काम नहीं है, अब इस सब का कोई काम नहीं है, है ना, इस सब का कोई काम नहीं है। ठीक, तो अब देखिए फिर टेन ए माइनस बी बराबर देखिए एक बटा रूट तीन, अभी देख लीजिए आप नोट किए होंगे ना, एक बटा रूट तीन टेन का वैल्यू टेन तीस होता है, टेन तीस, ये टेन टेन कट गया तो क्या बचा ए माइनस बी बराबर तीस डिग्री भले यहाँ के समीकरण दो। अब लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से क्या है, पहला a प्लस बी बराबर साठ और a माइनस बी बराबर तीस, देखिए जोड़ने पर कट जाएगा, जोड़ने पर ये दोनों b भी कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल, एगो a एगो a क्या गो है दो गो है, साठ और तीस नब्बे, तो a बराबर नब्बे बट्टा दो, पैंतालीस दूना नब्बे, तो कितना आए है पैंतालीस। अब चलिए ए बराबर पैंतालीस आया ना, ए बराबर कितना आया पैंतालीस, अब लिखिए ए का मान समीकरण एक में देने पर, ए का नाम क्या है ए प्लस बी बराबर नब्बे, ए का मान कते अल पैंतालीस, तो पैंतालीस प्लस बी बराबर नब्बे, तो बी बराबर नब्बे माइनस पैंतालीस, अभी गणित अच्छा रही अंग्रेजी से दोनों एक जगह नहीं रहता है, क्या है नहीं रहेगा, बोले चूहा बोले बिल्ली, चूहा बिल्ली एक साथ नहीं रहेगा, खाइए जाएगा तो अपना चला जाएगा अपना बिल्ली चूली चूहा के पास, तो बी बराबर हो गया यहाँ के पैंतालीस, पैंतालीस का ना बोले नबे सब ए प्लस बी बराबर कितना है साठ ना रे, अरे बोलू साठ हुआ साठ, तो साठ में से पैंतालीस गए तो पंद्रह। ठीक है, आ तब लिखबे अतः ए बराबर पैंतालीस आ बी बराबर साठ, एना के लिखबे तो आंसर। ठीक है, भ गए चैप्टर समाप्त।